नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेरी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, चेरी सिरप को कैसे लेना चाहिए और चेरी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि चेरी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में चेरी सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। चेरी सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होते हैं। चेरी सिरप का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को चेरी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, त्वचा और आंखों में पीलापन, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर चेरी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेरी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में चेरी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में चेरी सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चेरी सिरप की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में चेरी सिरप की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। चेरी सिरप की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। चेरी सिरप की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेरी सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। चेरी सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। चेरी सिरप को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आमतौर पर डॉक्टर 12 से लेकर 18 साल के बच्चों को 10 मिलीलीटर चेरी सिरप को दिन में 2 बार और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 15 मिलीलीटर चेरी सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। चेरी सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको चेरी सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेरी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में चेरी सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। चेरी सिरप को कैल्शियम की टैबलेट, दूध और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेरी सिरप को कैल्शियम की टैबलेट, दूध और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से चेरी सिरप का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से चेरी सिरप की प्रभावशीलता कम हो सकती है। डॉक्टर चेरी सिरप के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से चेरी सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या चेरी सिरप शरीर के वजन को बढ़ाती है या नहीं। देखिए, चेरी सिरप शरीर में खून की कमी को पूरा करके शरीर की कमजोरी को दूर करती है, लेकिन चेरी सिरप शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं चेरी सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए चेरी सिरप का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं चेरी सिरप को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका चेरी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।